असद कैसर ने पीटीआई पर पाबंदी का फैसला हुकूमत की भोकलाहट का नतीजा करार दिया। कौन सा ऐसा हरबा है जो पीटीआई को दबाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया? शिबली फराज ने पाबंदी का हुकूमती फैसला मजहका खेज करार दे दिया। हुकूमत की पीटीआई पर पाबंदी लगाने के फैसले पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा फटफड़े। असद केसर ने दो टोक पैगाम दिया कि हुकूमत ने जो करना है वो कर ले, वो मुकाबला करेंगे। इनके पास जो हथियार आते हैं, जिस कोर्ट में जाना चाहे, जहां जाना चाहे, बिस्मिल्लाह जाए, हम अपनी जद्दोजहद करेंगे, कानून और आईन के अंदर रहते हुए अपनी जद्दोजहद करेंगे, और जो भी ये फोरम पे हमारा मुकाबला करना चाहेंगे हम उसका मुकाबला करेंगे। कायदे हिज्ब इख्तिलाफ सेनेट शिबली फराज ने हुकूमती फैसले को मुजिका खेज करार दे दिया। कोर कमेटी इजलास में मामले पर मुशावरत का इंतिया दे दिया। मुल्क इधर जा रहा है, लोगों की क्या हालत है, लोगों के पास लोगों की रोटी नहीं है, और ये जो है तो इस किस्म की अटकेलियाँ इन्हें सूझी हैं। कोर कमेटी है, इसमें हम इस पर मशावरत करेंगे और इसका हम बाकायदा जवाब, एक फॉर्मल जवाब भी देंगे। सलमान अकरम राजा ने दावा किया कि किसी सियासी जमात पर पाबंदी लगाना हुकूमत का इख्तियार ही नहीं। सवाल किया कि जिन्हें पीटीआई का वजूद कबूल नहीं, उनसे मुजाकरात कैसे करें? हुकूमत का इख्तियार नहीं है, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का सिर्फ इख्तियार है किसी सियासी जमात पे पाबंदी लगाने या ना लगाने का। अपनी तरफ से एक रेफरेंस तो भेज सकते हैं, ताकि मईशत की जरूरत थी, इस मुल्क को इस्तेहकाम की जरूरत है, ना कि इस किस्म की महाजराई। तो हमारा वजूद कबूल नहीं है तो फिर किसी और मुजाकरात की तो कोई जरूरत नहीं है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने वाजे कर दिया कि मुल्क की मकबूल तरीन सियासी जमात पर पाबंदी लगाना ख्वाहिश से ज्यादा कुछ नहीं। पैगाम दिया कि मुल्क किसी की जागीर नहीं, कि जो दिल में आए फैसले किए जाए। रहनुमा पीटीआई अली जफर ने दावा किया कि कानून में ऐसी कोई गुंजाइश ही नहीं कि हुकूमत अपनी नापसंदीदा पार्टी पर पाबंदी लगा दे। सियासी जमातों पर पाबंदी के फैसले हमेशा आमरों ने किए, जमहूरी हुकूमत ने नहीं।